हरिओम, मैं कुमुदिनी विरा विचारे परेल गांव में रहने वाली, बट काम के लिए हम 2007 से कंबोडिया शिफ्ट हुए हैं। बापू को जानती हूँ 1987 से, पहले मैं उनकी पेशेंट थी, उसके बाद में मैंने मेडिकल प्रोफेशन एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया, तो काम के लिए बापू विजिट होती थी उनके क्लिनिक में और बाद में सदगुरु के तौर पे। ये मेरा जो अनुभव है वो 1994 का है और गुरुचरित्रा के 14वें अध्याय के बारे में है। 1994 में सितंबर या अक्टूबर में मैं ऐसे ही सुबह मम्मी के घर पे गई थी, जो अनपेक्षित था, क्योंकि सुबह मैं जॉब करती थी तो सुबह मम्मी के घर पे जाना, उस दिन तो मैंने छुट्टी नहीं ली थी। लेकिन फिर उस दिन जब मैं मम्मी के घर पे गई तो मेरे पापा के एक दोस्त जो शिरस गांव में रहते थे, जो महाराष्ट्र में एक गांव है, वहां से आए थे। वो कभी हमारे घर पे पहले आए नहीं थे, बट उसी दिन आए सुबह 11 के दरम्यान। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप प्रेग्नेंट हो? तो मैंने बोला हाँ अंकल। तो बोले कि बेटा आज से गुरुचरित्रा का 14वां चैप्टर पढ़ना शुरू करना। मेरे पापा भी गुरु दत्तात्रेय के भक्त हैं, तो मुझे गुरुचरित्रा साई चरित्र के बारे में थोड़ा सा पता था। तो मैंने गुरुचरित्रा की एक छोटी सी बुकलेट मिलती है 14वें अध्याय की, वो लेके आई और रोज पढ़ना शुरू किया। मैंने 27 मार्च 1995 तक पढ़ी। 27 मार्च को शाम को मुझे थोड़े लेबर पेन चालू हो गया, रात को मुझे एडमिट कराया गया। सुबह 6:30 के दरम्यान मुझे लेबर वार्ड में लेके गए। उसके बाद जब 8:30 के दरम्यान डॉक्टर मुझे ऑब्जर्व करने आए तो पता चला कि मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है और बच्चे ने पहले ही पॉटी करी है। ये बहुत ही थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन बच्चे के लिए हो सकती है, क्योंकि बच्चे को बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए डॉक्टरों ने वैक्यूम सक्शन करने का डिसीजन लिया। सुबह 9:11 को मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरा बेटा थोड़ा सा पूरा ब्लड उसके शरीर पे था, तो डॉक्टर ने उन्होंने स्पेशलिस्ट को बुलाया, ऑब्जर्व किया, फिर प्रिवेंशन ताकि बाद में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए जेंटामाइसिन के इंजेक्शन्स चालू करी। यहाँ पे मेरी डिलीवरी के बाद जब अपना प्लासेंटा जो होता है वो बाहर आना चाहिए, लेकिन मेरी प्लासेंटा पूरी तरह से बाहर नहीं आया, उसके पूरे मेरे यूटरस में टुकड़े टुकड़े हो गए। जब यूटरस में प्लासेंटा के टुकड़े होते हैं तो क्या होता है, तो बहुत ब्लीडिंग होती है और डॉक्टर के सामने एक बहुत बड़ा टास्क होता है, सिर्फ प्लासेंटा के पीसेस निकालने नहीं तो ब्लीडिंग भी रोकना होता है। इसलिए डॉक्टर्स ने बहुत बड़े बड़े बैंडेज लेके प्रेशर बैंडेज देना शुरू किया मेरे यूटरस में, ताकि थोड़ा ब्लीडिंग कम हो जाए। ये सब करने तक डॉक्टर को 3 घंटे लगे और 12:30 के दरमियान उन्होंने स्टिचेस कंप्लीट करे। मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी 4:30 तक मेरा ब्लीडिंग रुका नहीं। बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। डॉक्टर्स फिर से ऑब्जर्व करने आए। डॉक्टर ने कहा कि एक अभी ये ब्लीडिंग यदि नहीं रुका तो इस पेशेंट को, इस स्त्री को बचाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं उस समय मुझे कैसे इतना आत्मबल मिला कि मैंने भगवान से कहा कि भगवान आप चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं, तो मुझे अभी इसी वक्त इस सिचुएशन से बाहर निकालो। डॉक्टरों ने फिर से मेरा यूटरस क्लीन करना शुरू किया और एक बार फिर से यूटरस क्लीन करने के बाद फिर से स्टिचेस डाले गए। फिर 7:30 के दरमियान उसके बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा कम हुआ और रात को 9:30 के बाद मुझे बाहर लाया गया। मेरे सब रिलेटिव्स बहुत ही टेंस थे, बहुत चिंताग्रस्त थे कि क्या हो रहा है। 15 से 16 घंटे मैं लेबर वार्ड में थी। मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे से बाहर खेल रहा था, बट मैं पूरी तरह मेरी ज़िंदगी से जूझ रही थी। उसके बाद 9 बजे मैं बाहर आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ कि मेरी रिकवरी क्वाइट फास्ट हो गई और मैं और मेरा बच्चा सही सलामत बाद में अच्छे से रिकवर होते होते बहुत ही अच्छे से हमारी रिकवरी हो गई। उसके बाद ऐसे ही दिन साल चले गए।
बापू के डिस्कोर्स में मैं आती, कभी कभी प्रवचन में आती थी। हर थर्सडे तो आना मुश्किल होता था क्योंकि मेरा प्रोफेशन वैसा था, तो कभी कभार मैं आती थी। 2003 या 2004 साल में, मुझे अभी ठीक से याद नहीं, उस गुरुवार को मैं जब प्रवचन गई तो बापू गुरुचरित्रा के 14वें अध्याय के बारे में उस दिन बात कर रहे थे, बता रहे थे, और उसी दिन मैं चली गई। बापू ने जैसे प्रवचन देना शुरू किया, मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए। मैं फ्लैशबैक में चली गई, मुझे पूरी मेरी डिलीवरी की 28 मार्च 1995 का दिन याद आने लगा। और तब मुझे पता चला कि देखो, मेरे सद्गुरु ने, उन्हें पता था कि मेरे ऊपर क्या संकट आने वाला है, इसीलिए 5-6 महीने पहले से ही मेरे लिए तैयारी कर ली थी ताकि एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाए, और जिस वजह से मेरे ऊपर जो बड़ा संकट आने वाला है उससे मैं बाहर आऊँ। शादी के पहले ऐसे एक इंसिडेंस में मैं बापू से मिली थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा कुछ चिंता मत करना, मैं पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और बापू ने वैसे ही किया कि उनको पता था कि मुझे जो भी संकट आने वाला है उस संकट से मुझे उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद हम कई सालों के बाद हम कंबोडिया शिफ्ट हुए। 2007 में हम कंबोडिया गए। 2008 की ये बात होगी, जब 2 दिन की छुट्टी थी तो हमने सोचा कि हम कहीं घूमने जाते हैं। हमारे साथ और 3 फैमिलीज़ भी थी, एक कार में हम 2 फैमिलीज़ थी, दोनों बापू भक्त थे। कंबोडिया में उपासना सेंटर भी है। हम अराउंड 7 किलोमीटर नॉमपेन से दूर गए होंगे, तब तक मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे एक मैसेज आता है उपासना सेंटर से कंबोडिया के कि हनुमान चालीसा पठन करना शुरू करो। हम दोनों फैमिलीज और पूरे बच्चे सब हनुमान चालीसा का पठन शुरू करते हैं, और करते करते फिर हम उस रिसॉर्ट तक जाते हैं जो अराउंड 110 किलोमीटर नॉमपेन से दूर हैं। वहाँ हम जाते हैं, बहुत मस्ती करी, पूरा दिन एंजॉय किया, दूसरा दिन एंजॉय किया, फिर दूसरे दिन शाम को हम वापस आए। कार बहुत किलोमीटर चल चुकी थी, इसलिए तीसरे दिन कार सर्विसिंग के लिए सर्विस स्टेशन भेजी गई। जब कार सर्विस स्टेशन पे भेजी गई तो उन्होंने हमें पूछा कि आप कहाँ गए थे। हमने पूछा कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके कार के पीछे के दोनों ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। थोड़ी देर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। देखो, बापू को पता था कि क्या हो सकता है आगे, इसीलिए पहले ही उन्होंने हमें मैसेज भेजा था कि हनुमान चालीसा का पठन करो। उस हनुमान चालीसा की वजह से एक बहुत अच्छे से सुरक्षा कवच हमारी कार को कवर किया गया ताकि ये संकट हमारे पास आया ही नहीं। ये तो बात बहुत दूर है कि संकट आते हैं और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ मार्ग मिलता है, लेकिन हमारे ऊपर बापू ने उस समय संकट आने ही नहीं दिया। ऐसे ही बहुत से अनुभव आते ही रहते हैं। आज का एक अनुभव, आज गुरु पूर्णिमा है, 31 जुलाई 2015 की तिथि, आज का ही मेरा एक अनुभव मैं कथन करना चाहती हूँ। मैं गोरेगांव से वापस लौट रही थी, और मैं रेगुलर ट्रेन से ट्रैवल नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था कि इंडिकेटर मैं कभी देखती नहीं हूँ। बस चर्च गेट ट्रेन आई, इसलिए मैं गोरेगांव में चढ़ी। उसके बाद मैं एल्फिस्टन उतरी, फिर स्टेशन के बाहर आके घर की तरफ चलना शुरू किया। बहुत धूप थी तो सोचा कि छाता खोलती हूँ, फिर देखे तो मेरे पास मेरी बैग ही नहीं है जिसमें मैंने छाता रखा था। मैं ट्रेन में चढ़ी तो मैंने वो बैग ऊपर रख दी थी, और उतरते वक्त बैग लेना भूल गए। थोड़ी सी चिंतित हो गई, थोड़ा सा सामान था, लेकिन फिर सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ। बापू को कहना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मेरी पूरी गलती थी, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बापू को तकलीफ देना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने बस कहा कि बस मेरे से गलती हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट पीछे जाके स्टेशन मास्टर को बता देती हूँ ताकि ऐसी कुछ बैग उनको मिली तो
अदरवाइज रेलवे पुलिस को बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि वो फिर इन्वेस्टिगेशन पर करना पड़ता है, बैग चेक करनी पड़ती है, तो ताकि ये सब तकलीफें उन्हें ना हो इसीलिए मैं स्टेशन मास्टर को बताने चली गई। फिर से मैं एल्फिस्टन स्टेशन आई, स्टेशन मास्टर ने पूछा कौन सी ट्रेन थी, मैं बता नहीं पा रही थी। फिर मुझे याद आ गया कि मेरी टिकट थी, तो टिकट पे मैंने टाइम देखा तो 11:42 था, तो स्टेशन मास्टर बोले कि 11:43 की ये ट्रेन गोरेगांव से निकली थी। उन्होंने तुरंत चर्च गेट स्टेशन फ़ोन किया और उन्होंने उनको बोला, वहाँ बताया कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में एक बैग रही है पर्पल कलर की, तो वो देख लेना। और उन्होंने मेरा नंबर लिख के लिया, बोले कि यदि बैग मिलती है तो मैं आपको बताऊँगी। मैं वापस घर लौट रही थी, रास्ते में आज गुरु पूर्णिमा इसीलिए मैंने गणेश जी और दत्तात्रेय के मंदिर में गई और घर की तरफ चल रही थी। मन में यही था कि ठीक है मेरी बैग मिले ना मिले, बट चाहती थी कि मिले, बट बापू को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे उनको तकलीफ नहीं देनी थी। जैसे ही मैं घर की तरफ चल रही थी, घर के बहुत नज़दीक ही गई, तब तक उनका फ़ोन आता है स्टेशन मास्टर का कि आपकी बैग मिल गई है और मैंने बताया है कि ये बैग एल्फिस्टन में डिलीवर करो, तो आप 2:30 बजे आके ये बैग कलेक्ट करना। नॉर्मली इतनी हेल्प कोई भी स्टेशन मास्टर, बहुत कम है जो करते हैं, और फिर भी यदि होती भी है इतनी हेल्प तो मुझे वो बताते कि तुम चर्च गेट जाके तुम्हें बैग कलेक्ट करनी पड़ेगी। बट इन स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए वो बैग एल्फिस्टन मंगाई और अभी आज के दिन मुझे 2:30 बजे मेरी बैग सही सलामत मेरे हाथ में थी। हमारे बापू को हमारी कितनी फिक्र रहती है, हर समय हर क्षण बापू हमारे साथ ही रहते हैं और हमारा भार खुद उठाते ही रहते हैं। अम्बद्य बापू, हरिओम, श्री राम।